कोई भी बच्चा है उसका 2 तारीख से मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो है 5 दिन हफ्ता तक रुक जाते हैं आप ऐसे। देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन, आपको खुद से कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। मैम, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा एक फार्मर। आपके चैनल स्टूडेंट सेवियर देखा था हमने अप्रैल महीने में ही, और पहले ही जैसे फोन जैसा मैंने फिर फ़ोन किया बड़े भैया का नंबर। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और यहाँ पे जो संभालते हैं, जो ऑनर टाइप ही हैं, वो बहुत अच्छे हैं बिहेव। हेलो दोस्तों, मैं अन्नू आप सबका स्वागत करती हूँ द स्टूडेंट सेवियर अकोमोडेशन में। आज हम आए हैं विद्यार्थी बॉयज़ पीजी, जो कि मुखर्जी नगर इंदिरा विकास कॉलोनी में है। आपको सबसे चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटीज़ के रूम मिल जाएंगे 5 से 5,500 में, हमने ऐसा सुना है। चलिए हम देखते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं क्या रियलिटी में ऐसा भी है। बेसिन है और ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गैलरी, आप खड़े हो सकते हैं। यहाँ वॉशरूम है, आप देख सकते हैं, और लाइट्स वगैरह लगे हैं, ऊपर सीढ़ी है। यहाँ पे आपको वाटर कूलर की भी फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे भैया, यहाँ का पानी कैसा है, ठंडा है या गर्म है? ठंडा है, कह रहे हैं ठंडा पानी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ आपको फ्रंट में बहुत सारे रूम्स मिलेंगे, आमने सामने हैं, देख सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स वैसे लाइब्रेरी गए हैं, कुछ लंच करने गए हैं, कुछ कहीं गए हैं, कुछ स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं रूम्स में, आप देख सकते हैं। फ्रंट में रूम्स है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। वाईफाई के भी फैसिलिटीज़ लगे हुए हैं, आप वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, और हाइजीन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। कि रूम में अभी स्टूडेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट इस रूम में एक स्टूडेंट है जो कि स्टडी कर रहे हैं, ये मुझे खिड़कियों से पता चल रहा है। चले हम एंटर करते हैं और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे 2 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो गाइस, ये सिंगल सीटर रूम है, आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे 2 स्टूडेंट अवेलेबल है। एक्चुअली बोथ आर फ्रेंड, और ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ग्रुप में। हेलो सर। हेलो मैम। आपका गुड नाम क्या है? विजय कुमार। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा झज्जर से बिलोंग करता हूँ। सर, आप इस पीजी में कब से हैं? मुझे यहाँ अप्रॉक्स 20-25 दिन हो गया, अभी आया हूँ मैं कुछ दिन पहले। सर, आपको इस पीजी के बारे में कैसे पता चला? मैडम, मैं मुखर्जी नगर पहली बार आया था, तो मैं ढूंढते इस पीजी में पहुंचा था, और उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सर, आप बेसिकली किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर, आपने कोई कोचिंग्स लिए हैं? जी हाँ, इनसाइट IAS की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, और अभी सेल्फ स्टडी चल रही है। सर, यहाँ की फैसिलिटीज़ आपको कैसी लगती हैं? मैडम, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और यहाँ पे जो संभालते हैं, जो ऑनर टाइप ही हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स की बातों को भी सुनते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र पाल। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी गाजीपुर। सर, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? UPSC सिविल सर्विस। सर, आपको इस पीजी के बारे में कैसे पता चला? आपके चैनल स्टूडेंट सेवियर देखा था हमने अप्रैल महीने में ही, और पहले ही जैसे फोन जैसा मैंने फिर फ़ोन किया बड़े भैया का नंबर जैसे दिए थे, तो जैसे जैसे उसमें वीडियो में दिखाया गया था सेम यहाँ पे आने के बाद में वैसा ही मुझको मिला। और यहाँ पे जो रोहित भैया हैं वही गए थे मुझको लाने के लिए, यानी वो हमारे जैसा वैसा व्यवहार किए जैसे गार्जियन होता है, फिर हम उनकी सहायता से यहाँ पे इस पीजी में आ गए मुखर्जी नगर। सर, आपको यहाँ का इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से मिला है, राइट? जी जी। ओके सर, आप यहाँ पे कब से स्टे कर रहे हैं? इसी माह के फर्स्ट वीक से। फर्स्ट वीक। सर, यहाँ पे फूड की फैसिलिटी कैसी है? यहाँ पे फूड की फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पे 3 मीटिंग भोजन मिलता है। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट मिलता है मेनू के हिसाब से, दोपहर के टाइम लंच मिलता है, शाम को डिनर भी है, यानी 3 टाइम यहाँ पे भोजन मिलता है, बहुत अच्छा भोजन मिलता है। पानी यहाँ पे अच्छा है, हमेशा बिजली रहती है यहाँ पे, और इन्वायरमेंट पढ़ने का यानी यहाँ पे अच्छा है। और यहाँ पे जो रूम मालिक हैं, ओनर जो हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, हमेशा गार्जियन के जैसा ट्रीट करते हैं, कुछ भी कमियाँ हो उनको बता दीजिए, तुरंत यानी सुधार दिया जाता है उसको। सर, यहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं? यहाँ के स्टूडेंट अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होता तो वो हेल्प करते हैं या एटीट्यूड दिखाते हैं? जी, सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो UPSC वाले हैं, और बहुत सीरियस लोग हैं, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो लोग ज़रूर हेल्प करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। सर, आप कोई कोचिंग ले रखे हैं?
अभी कोचिंग नहीं लिए हैं, लेकिन अब कोचिंग ज्वाइन करेंगे, आज से जाना है। संस्कृति आईएएस का चुनाव हमने किया है। बेसिकली यहाँ पे अगर कोई न्यू स्टूडेंट आना चाहे इस पीजी में, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे यहाँ पे आने के लिए? जी, वो लोग आ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा घर जैसा ही यहाँ पे माहौल है, और मुखर्जी नगर तो वैसे भी पीएससी वालों का हब माना जाता है, और आप आइए, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, सब गांव के जैसा, अपने घर के जैसा है, यहाँ पे एनवायरनमेंट है। सो गाइस, अब हम आए हैं सेकंड फ्लोर, और यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं सारे डबल सीटर्स रूम हैं, बट आपको सिंगल सीटर लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन की फैसिलिटीज़ है दिस साइड, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन, आपको खुद से कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। हाइजीन का काफ़ी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और अब हम जाएंगे इस रूम में, यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। गाइस, ये डबल सीटर रूम्स हैं, यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, आप देख सकते हैं खुद भी, फैंस हैं, लाइट्स हैं, बुक्स रखने की फैसिलिटीज़ हैं, टेबल्स हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर आपका नाम क्या है? अमन। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। सर आप यहाँ इस पीजी में कब से स्टे कर रहे हैं? अभी 2-3 दिन हुए हैं। सर आपको इस पीजी के बारे में कैसे पता चला वैसे? मैम आपका ही चैनल देख के पता चला। सर आपको इस पीजी में क्या अच्छा लगता है? मतलब यहाँ पीजी में तो सब कुछ ही अच्छा है, खाना और भी वाटर कूलर है और सारी फैकल्टियाँ हैं। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मैम मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा एक फार्मर हैं। गाइस, अब तक हमने स्टूडेंट से बात कर लिए हैं, अब हम बैठे हैं विद्यार्थी बॉयज़ पीजी के ऑफिस में, और यहाँ हमारे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, द स्टूडेंट सेवियर 2022। सो अब हम पूछेंगे इनसे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग पीजी। हेलो सर। हेलो मैम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है। सर आपको इस पीजी के बारे में सब कुछ पता है, सर आप बताएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या ध्यान रखा जाता है? यहाँ पे मैडम सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर फ्लोर पर लगे हुए हैं, जो है सब चीज़ देखी जाती है, कोई बाहर का कोई पर्सन नहीं आ पाता। रात को तकरीबन 12-1 बजे के तकरीबन हम जो है बाहर का मेन गेट बंद कर देते हैं, सुबह 5-6 बजे के आसपास खोल देते हैं। वैसे तो हमने बहुत स्टूडेंट से पूछा है आपके पीजी के बारे में, सब ने बताया कि यहाँ का प्राइस वेरी बहुत ज़्यादा चीपर्स हैं। सर जो इस प्राइस पे रूम मिलता है, सर इसमें सब कुछ इंक्लूड है या डिफरेंट सब अलग अलग रेंट है? नहीं मैम, इसमें जो है हमारे जो पीजी का जो रेंट है हमारा 3 स्लॉट्स में है। एक तो है 5,000 में, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे है, उसमें भी सब चीज़ में इंक्लूड है, बिजली पानी का भी है, सब चीज़ है इसमें, आर ओ लगा हुआ है, वाईफाई है और खाना पीना सब इसमें ही है। और हमारा 3 प्राइस हैं, 5,000, 5,500 और 7,500। 7,500 सिंगल का है, सिंगल बच्चा जो लेगा, 5,000 और 5,500 हमारे जो है उसमें शेयरिंग का है बच्चा। सर बेसिकली यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट आते हैं स्टडी करने के लिए, सर अगर कभी उनको लेट हो जाते हैं यहाँ का पे करने के लिए, तो आप उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? कोई भी बच्चा है उसका 2 तारीख से मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो है 5 दिन हफ्ता तक रुक जाते हैं, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट दूर दूर से आते हैं आपके पीजी में और लेट हो जाते हैं, रात हो जाता है, तो आप उन स्टूडेंट को क्या फैसिलिटीज़ देंगे? मैम फैसिलिटी की इस बात में यह है कि अगर कोई आ रहा है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ड्रॉप कर दे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, तो हम उसे लोकेशन बता देते हैं और वो हमें लोकेशन भी सेंड कर देगा, तो हम उसे वहाँ से ले आएंगे। एज हमारे पास बाइक है, हम बाइक से लेके आ सकते हैं उसे, अगर पॉसिबल है तो। अगर वो रात हो चाहे दिन हो, कि कोई भी टाइम है, किसी भी टाइम आ सकता है और पीजी को ज्वाइन कर सकता है। सो गाइस, अब तक हमने देख लिए हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और 3-4 स्टूडेंट से इसके बारे में पूछ लिया है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं बट वो अभी यहाँ पे नहीं हैं, कुछ लाइब्रेरीज गए हैं, कुछ लंच करने के लिए गए हैं। सो गाइस, आपको इस पीजी में अगर ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बुक करवा सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप विजिट करते हैं, यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी पर
पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ फ्री अवेलेबल है। गाइस यहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है और सीट बहुत कम है, आप जल्द ही विजिट करें।